आज की स्टूडियो मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें लोग किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलजेब्रा की तरह आपको देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में भी। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला बता देना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, फॉर्मूला आपको पता है, जैसे यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला आपको पता है इसका स्क्वायर क्या होता है? आप बता सकते हैं कि ए का स्क्वायर होता है प्लस बी का स्क्वायर होता है प्लस कितना हो जाएगा, टू ए बी होता है। ये तो फॉर्मूला होता है इसका। अब दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, टू ए बी हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस रहेगा तो सभी सभी क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। प्लस वाला रहेगा तो सभी इसमें क्या रहेंगे, प्लस रहेंगे। यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, ये लास्ट वाला क्या रहेगा, माइनस टू ए बी रहेगा। ठीक है, ये दो फार्मूला आपको पता है। अब इन दो फार्मूले की सहायता से कुछ और फार्मूले बनेंगे। ठीक है, इन दो फार्मूले की सहायता से कुछ और फार्मूले बनेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप करें क्या, इन दोनों फार्मूलों को जोड़ दीजिए। अगर आप इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आप यहां से जोड़िए, इन दोनों क्या करना आपको जोड़ना है, जोड़िए यहां से कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है? अगर आपने इसको जोड़ी तो आप क्या करें, इन सभी को जोड़ेंगे। जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहां से जब जोड़ेंगे दो बार ए मिल, दो बार क्या मिलेगा, दो बार ए स्क्वायर मिलेगा और दो बार क्या मिलेगा, बी स्क्वायर मिलेगा। और दो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। दो कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, ए का स्क्वायर बच जाएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ इस तरह से बचेगा, नहीं बचेगा, इस तरह से ये बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ये जो इसको आप इधर क्या कर सकते, बटे के फॉर्म में ला सकते हैं, इस चीज को आप इधर ला सकते हैं। तो हम यहां से लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस चीज को मैं इधर लाऊं तो ये क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो आप यहां से कर लीजिए, ए का स्क्वायर हो गया और ये प्लस बी का स्क्वायर, और इधर कितना बच गया, दो आपका बच गया। ठीक है, आप इधर कितना बच गया, दो बच गया। इस फॉर्मूले के साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। ये इसका पहला इस तरह से इसका फॉर्मूला आपका बनेगा। ठीक है, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद इसका कुछ इस तरह से फॉर्मूला आपका बन जाएगा। ठीक है, अब इस बार मैंने क्या किया, एक बार इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ लिया। अब दूसरी बार क्या करना, आपको इन दोनों को घटाइए। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो आपको दूसरा फार्मूला बनेगा। आप यहां से कर लीजिए, आपको क्या करना, इन दोनों को घटाना है। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे तो आप कुछ आपको इस तरह से मिल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहां से क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है? अगर आप इन सभी को घटाएंगे, ठीक है, जब घटाएंगे तो अब ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो प्लस है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब कि यहां से ये माइनस माइनस हो जाएंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और ये क्या हो गया, प्लस का साइन में हो गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर ए बी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, फोर ए बी मिल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फोर लिख दिया और ए बी यहाँ पे ना लिखे, इसको इधर कर सकते कि नहीं कर सकते, बटा में। इसको जो यहाँ पे ए बी लिखेंगे आप इसको इस तरह से बटा में भी ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, कर सकते नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ए बी मिलेगा इस चीज को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, डायरेक्ट इधर कर दिया। ठीक है, अब कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे यूज होंगे। ठीक है, यानी इन फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, जहां पे आप क्या करें, क्वेश्चन को सिर्फ देखकर आंसर आप बताएंगे। अब इन दोनों फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहला देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 63 + 36 का होल स्क्वायर प्लस 63 - 36 का होल स्क्वायर और पूरे का बड़ा कितना हो गया, 63 का स्क्वायर दिया प्लस 36 का स्क्वायर दिया। ठीक है, तो जो पीछे फॉर्मूला मैंने आपको बताया, देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी कोई फिक्स नहीं, कोई भी वैल्यू हो सकती है ए और बी। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ये देखिए जो आपको क्वेश्चन आपको किस इस तरह से दिख रहा है, तो ठीक है इस तरह दिख रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट इसका बता सकते हैं, इसका मान कितना आएगा, दो आएगा। यानी इसका मान कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका मान कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, आप इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सिर्फ देखकर इसका आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन सेकंड देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे दिया गया,
941 प्लस 149 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 941 माइनस 149 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या दिया है आपको, 941 गुणे 941 कह सकते, 941 का स्क्वायर कर सकते नहीं कर सकते, आप इसको क्या कर सकते, 941 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप इससे कितना कर सकते हैं, 149 का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, सेम है कि नहीं, सेम इसी तरह से आपका ये नीचे वाला भी क्वेश्चन है। तो यानी इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसका मान किसके बराबर होगा, दो के बराबर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 90 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बटे कितना दिया है, 90 का स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या दिया गया, प्लस 90 का स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर दिया गया। ठीक है, अगर मैं आपको फॉर्मूला एक बार दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, देखिए फॉर्मूला आपका यही है, लेकिन इसको क्या कर दिया, इस चीज को क्या कर दिया, आपको पलट के क्वेश्चन दे दिया, यानी इस चीज को क्या कर दिया, पलट के क्वेश्चन आपको दे दिया। फॉर्मूला तो यही आपको इस रूप में दिख रहा है, लेकिन इस चीज को क्या कर दिया, पलट के दे दिया गया, यानी हमको ये पता है कि इस पूरे का मान कितना होता है, दो होता है। अगर इसका मान को याद कितना मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। इसको अगर आप पलटेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, दो मिल जाएगा। लेकिन आपको ये क्या कर दिया, पलट के दे दिया, इसका मान किसके बराबर, 1/2 के बराबर, यानी इसका मान किसके बराबर, 1/2 के बराबर। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इस तरह से सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 943 प्लस 864 का होल स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या दिया गया, 943, अब आपका ये 9 कितना रहेगा, ये 864 रहेगा, कितना रहेगा, 864 रहेगा। ठीक है, तो जो सेकंड फार्मूला मैंने आपको बताया, देखिए सेम उस तरह से आपको दिख रहा है, फार्मूला एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, सेकंड वाला जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग देखिए सब कुछ आपको सेम दिख रहा है, इसी तरह से आपका दिख रहा है, दिख रही है ये वैल्यू आपको, इस तरह से दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही, इस तरह से आपको जो सेकंड वाला है इस तरह से आपको दिख रहा है। तो कह सकते कि इसका मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है, ठीक है, यानी ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है आप यहां से इस तरह से देख सकते हैं, इसी तरह से फॉर्मूला आपका बनेगा। तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अब आपको देखिए इस तरह से दे दिया और ये इस तरह से दे दिया, ठीक है, और नीचे आपको इस तरह से दिया, पूछा है कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो जो सेकंड वाला फार्मूला बताया, देखिए सेम उसी तरह से ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, सेकंड वाला फार्मूला जो मैंने आपको बताया सेम उसी तरह से आपका ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इस तरह से आपको दिख रहा है, कर सकते इस तरह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सेकंड वाले की तरह से कह सकते इसका मान किसके बराबर होगा, अगर आप इसे सॉल्व करें इसका मान किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए इस तरह से दे दिया, पूछा कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको देखिए, इस चीज को आप देखिए, अगर आप इसको देखें तो आपको जो ऊपर वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो सेकंड वाला फार्मूला बताया था कुछ इस तरह से आपको ये दिख रहा है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, यानी इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से ऊपर 4 आप लिख लीजिए, अब यहाँ पे क्या दिया, कर्डी में 16 दिए गए, जब ये कर्डी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, ऊपर 4 हो गया और नीचे कितना है, 4। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी इसका मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो पहला ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 53 प्लस 27 का होल स्क्वायर माइनस 53 माइनस 27 का होल स्क्वायर, और नीचे आपको क्या दिया गया, 53 माइनस 9 दिया गया। ठीक है, और पूछा है कि इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे पूछेगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर ये हम लोग मान ले ए है और ये क्या मान ले बी है, ये तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यानी नीचे भी क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा और ये क्या रहेगा, इंटू बी रहेगा। ठीक है, फार्मूला तो हम लोग यही पढ़े कि नीचे भी हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे ए और बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे तो ए है लेकिन यहाँ पे बी नहीं है, तो इसको बी करने के लिए अगर मैं क्या कर दू, ऊपर नीचे क्या कर दू, 3 से गुणा कर दू, यहाँ कितना चाहिए मुझे, 27 चाहिए। अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं तो मुझे क्या करना है, ऊपर भी कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करना, 3 से गुणा करना कि नहीं करना, तो आप यहाँ 3 से आप गुणा कर, कितना के लिए, अब देखिए आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, a इंटू बी के रूप में आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 27 हो गया, इस पूरे का मान कितना आ गया, 27 आ गया। अब जो फार्मूला मैंने आपको सेकंड बताया, देखिए आपको उस तरह से दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इन सभी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, इन सभी का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा, और पहले कितना है आपको पता है, यहाँ से 3 है। ठीक है,
ऊपर नीचे मैंने 300 गुणा किया कोई फर्क है नहीं, लेकिन यहाँ पे 27 करने के लिए मैंने ऊपर नीचे 300 गुणा किया। अभी ये तीन बचा है तो आप यहाँ से कर लीजिए, तो 3 × 4 कितना मिल जाएगा, ये 12 मिल जाएगा। यानी आप अगर इसे सॉल्व करेंगे इसका मान कि इसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन एट देखा जाए। आप देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया और इस तरह से दे दिया, पूछा कि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, जबकि हमको ये पता है कि इस पूरे का मान किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, जो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। और इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। यानी इस पूरे का मान किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हैं इस पूरे कितना आ गया, 2 आ गया, और इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा का साइन, तो आप यहां से गुणा का साइन आप कर लीजिए, और यहां से क्या है, 4 है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा, तो सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप से फार्मूला देखा जाए, चलिए देखा जाए क्या फार्मूला, और फार्मूला आपको पता है। ठीक है, फार्मूला यही है कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये फार्मूला पता है, इसका मान किसके बराबर होता है, यानी एक ब्रैकेट में लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में लोग क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। कहने का मतलब है कि इनको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को एक बार आप जोड़ दीजिए और दोनों क्या करिए, एक बार घटा दीजिए। इन दोनों क्या करना है, एक बार जोड़ना है और इन दोनों क्या करना है, एक बार घटाना है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, यहाँ पे मैंने लिखा, आप देख सकते हैं, तो आपको कुछ इस रूप में आपको दिख रहा है। तो करना क्या, आपको इन दोनों को क्या करना, आपको एक बार जोड़ना है और इन दोनों क्या करना, आपको एक बार घटाना है। इन दोनों को, यानी ये ए का काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, बी का काम कर रहा है, तो इन दोनों क्या करिए, आप एक बार जोड़िए। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 1000 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 1000 आपको मिलेगा। और इन दोनों क्या करना है, एक ब्रैकेट में क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे कितना मिल जाएगा, 766 मिले, 766 आपको मिले। और इन दोनों को क्या करना है, आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 76, यहाँ पे भी 6 रहेगा और कितना जीरो लग गया, 3 0 लगे। इन दोनों का गुणा करें तो आपको इतना आपको मिल गया। ठीक है, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इस तरह से दे दिया, पूछा कि इसका मान किसके बराबर होगा, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको इसके रूप में आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले के रूप में आपको दिख रहा है, अगर हम लोग मान लें ये पूरा किया ए है और इस पूरे को हम लोग क्या मान लें, बी मान लें, इस वैल्यू को क्या मान लें, बी मान लें, तो कुछ फॉर्मूला आपका इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपका बनेगा। अब करना है कि इन दोनों क्या करना, आपको एक बार जोड़ना है और इन दोनों क्या करना, आपको एक बार घटाना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, यहाँ से जोड़िए। ठीक है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इनको क्या कर लिए, एक बार इनको जोड़िए, a प्लस बी हो गया, इसको मैंने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, होगा कि नहीं हो। अब नीचे देखिए, जो इतना दिया गया, 30,000 जो दिया गया है, अगर आप इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 30,000 आपको मिलेगा। यानी नीचे क्या दिया आपको, यानी ये क्या दिया आपको, a माइनस बी दिया गया, ये चीज आपको दे दी गई, आप यहां से कर लीजिए। अगर आप यहां से करेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, अब यहां से क्या बचे आपका, a प्लस बी बच गया। यानी इन दोनों को क्या करिए, आप जोड़ लिए, आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 105790 इतना मिल जाएगा। यानी अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान किसके बराबर, इसके बराबर। तो उस देखिए सी ऑप्शन किसका मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है क्या, 324। देखिए 324 कितने का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, दशमलव कितने अंक पे लगा है, 4 अंक पे लगा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आप इससे प्रसार करें इसका मान किसके बराबर, 324 के बराबर है। लेकिन 2 अंक पे लगे दशमलव लगाया ना, जब इससे प्रसार करें कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा है, जब आप इससे प्रसार करें कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा, 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब देखिए ये कितने का स्कोर होता है, ये चीज कितने का स्कोर हो जाएगा, तो आपको पता है कितने का स्कोर होता है, ये 121 कितने का स्कोर होता है, 11 का स्कोर होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दशमलव 4 अंक पे लगा है। ठीक है, आपको करना है कि आप इस दशमलव कितने पे लगा दें, 2 अंक पे लगा देंगे। जब इससे प्रसार करें इसका मान किसके बराबर, 121 के बराबर होगा। लेकिन हमको दशमलव कितने अंक पे लगाना, 4 अंक पे लगाना, 1 0 पहले बढ़ा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इतना क्लियर है।
अब क्या करना है कि आप ये नीचे देखिए क्या दिया गया, आप ये नीचे देखिए क्या दिया गया। ऐसे के सबसे पहले आप इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, अब देखिए कुछ आपको फार्मूला के रूप में दिख रहा है, ए का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर। इन दोनों को क्या करना है, एक बार जोड़ना है और इन दोनों को एक बार क्या करना आपको घटाना है। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, पीछे जोड़िए तो कितना मिल जाएगा, आठ एक नौ हो गया, नौ हो गया और एक एक कितना हो गया, दो हो गया। अब यहाँ पे दशमलव, तो आप यहाँ पे दशमलव आप लगा दिए। एक बार मैंने इनको जोड़ लिया, अब एक बार क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। अगर आप इन दोनों को घटाएंगे कितना मिल जाएगा, सेवन मिल जाएगा और कितना मिल जाएगा, जीरो हो गया। अब यहाँ पे दशमलव जीरो और नीचे कितना है, पॉइंट जीरो सेवन है। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, कड़ी है ये, इससे क्या हो जाएगा, कड़ी है। तो बचा कितना यहाँ से, यहाँ से कितना बचेगा, पॉइंट टू नाइन। ये इसका क्या गया आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए इस तरह से दे दिया, पूछा है कि इसका मान किसके बराबर हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपका ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है और ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया। ठीक है, अब पूछा है कि इसका मान किसके बराबर हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसे फार्मूले के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप क्या करिए, ऊपर नीचे क्या करिए, आप इस वैल्यू से गुणा कर लीजिए, ऊपर नीचे क्या करिए, आप इस वैल्यू से आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, अगर ऊपर नीचे इस वैल्यू से गुणा करें कोई फर्क होगा नहीं, ये आपस में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन ये देखिए, ये और ये मिलकर आपको देखिए इस फॉर्मूले के रूप में आपको दिख रहा है, इसके रूप में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वैल्यू देखिए तो इसके रूप में आपको दिख रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, तीन का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, वन होगा कि नहीं होगा। ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, इसके बराबर हो जाएंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आप इसको देखा जाए और इसको देखा जाए, तो ये देखिए आपको फॉर्मूले के रूप में दिख रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तीन की पावर कितना हो जाएगी, चार हो जाएगा और ये माइनस कितना हो जाएगा, वन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए और इसको देखिए, अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, तीन की पावर कितना हो जाएगा, तीन की पावर आठ हो गया और ये कितना हो जाएगा, माइनस वन हो गया। इतना क्लियर है, यानी ऊपर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे इसका मान किसके बराबर हो गया, तीन की पावर आठ हो गया और माइनस वन हो गया। तो आप यहां से कर लीजिए, तीन की पावर आठ माइनस वन हो गया और नीचे क्या बचा है, यहां से क्या बचा है, तीन माइनस, तीन माइनस कितना, एक है। अगर आप तीन में से घटाएंगे तो नीचे कितना बच जाएगा, दो बच गया। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन मतलब ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप फार्मूला देखा जाए, चलिए देखा जाए क्या फार्मूला, और फार्मूला आपको पता है। ठीक है, फार्मूला यही है कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल टू क्या होता है, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना होता है, ए बी होता है। ठीक है, अगर आप इससे प्रसार करें इसका मान किसके बराबर मिले, इसके बराबर मिलेगा और ये फार्मूला आपको पता है। और दूसरा फार्मूला ये होता है कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होता है एक ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी होता है, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसे कैसे याद रखेंगे, मैं आपको याद रखने की टेक्निक बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर ये प्लस दिया गया, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, ए प्लस बी दिया, तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको देखा जाए, अगर यहाँ पे क्या माइनस दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो गया, अगर प्लस है तो ए प्लस बी हो जाएगा, अगर माइनस है तो ए माइनस बी हो गया, माइनस वाला रहे तो ये अंदर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सारे प्लस प्लस रहेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना, अगर माइनस वाला है तो आपको ये माइनस में रहेगा लेकिन अंदर क्या हो जाएगा, सब प्लस प्लस में हो जाएगा, ये फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले की सहायता से हम लोग एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, आप देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, इसका क्या दिया आपको, तीन बार आपको दिया, अगर आप इसको ए मान लीजिए तो क्या मिल जाएगा, ए का क्यूब मिलेगा, ए का क्यूब आपको मिल गया। अगर आप इसको बी मान लीजिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी का क्यूब आपको मिलेगा और नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। ए बी होगा कि नहीं होगा, माइनस ए बी होगा। तो ये देखिए आपको कुछ फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, इस तरह से आपको दिख रहा है। अगर आप इससे प्रसार करिए, ठीक है, अगर प्लस वाला है ना, सब प्लस प्लस वाला है कि नहीं, अगर आप इससे सबसे पहले प्रसार करिए, अगर आप इससे प्रसार करें तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों को क्या करिए, आप सबसे पहले आप कर लीजिए, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इससे प्रसार करें इसका मान a प्लस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना मैंने लिखा आपको, b स्क्वायर और माइनस ab लिखवाया, यही तो फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया।
अब नीचे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया गया है, ए बी है कि नहीं है। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, कट गया, ये दोनों सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, कड़ी है, तो बचा कितना, सिर्फ ए प्लस बी बच गया। तो ए प्लस बी का मतलब क्या करना आपको, इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को क्या करिए आप जोड़ लीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, इन दोनों क्या करिए आप जोड़िए कितना मिल जाएगा, पीछे जोड़िए कितना मिल जाएगा, दस मिल गया, और आठ तीन कितना, सॉरी आठ तीन ग्यारह हो गया, एक हासिल कितना, बारह हो गया, और सात चार ग्यारह कितना हो गया, बारह। अगर आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1220 मिलेगा। तो पहला ऑप्शन किसका, मैच करना, ठीक है। इसमें लोग क्या करें, इसको ए मान ले रहे और इसको बी मान ले रहे, ठीक है। अब ऊपर देखिए फार्मूला हो गया आपका, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब फार्मूला हो गया। अब नीचे आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इससे प्रसार करें, इसका मान कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाए। अब ये आपस में कट गए हैं तो बचा क्या आपका, सिर्फ ए बच गया, यानी ए प्लस बी, यानी इन दोनों क्या करिए आप जोड़ लिया, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इस तरह से आपको दे दिया, पूछा कि इसका मान किसके बराबर है, ठीक है। अगर हम लोग मान लें इसको ए मान रहे, इसको ए मान ले रहे और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया, तो यहां से ये ए का क्यूब हो जाएगा, तीन बार ए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यहां से तीन बार आपको बी मिलेगा, इस तरह से हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर हो गया, इस तरह से होगा कि नहीं। अब एक ऊपर फार्मूला हो गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो इसको जब प्रसार करेंगे, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो क्या मिल जाएगा आपको, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मिलेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ए का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस ए बी मिलेगा, यही मिलेगा नहीं मिलेगा। अब नीचे यहां से क्या हो गया, ए का स्क्वायर है और प्लस ए बी है और प्लस कितना, ये बी स्क्वायर। अब देखिये ये चीज और ये चीज देखिए दोनों सेम है, अब इसको आगे पीछे लिखा कोई फर्क नहीं है, ठीक है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट गए, तो बचा कितना, सिर्फ ए माइनस बी बच गया। करना है कि आपको इन दोनों को घटा लिए, ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, इन दोनों क्या करिए आप घटा लीजिए। अगर आप दोनों को घटाएं तो किसके बराबर, इन दोनों का मान पीछे से खड़े कितना मिल जाएगा, यानी घटाएं कितना मिल जाएगा, 219 मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को घटाएं तो आपस में कितना मिल जाएगा, 219, तो बी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। अगर हम लोग मान लीजिए कि ए है और इसको कितना मान लिया, बी मान लीजिए, तो यहां से क्या मिल गया आपको, ए का क्यूब हो गया, और यहां से क्या हो गया, बी का क्यूब हो गया, और नीचे क्या ये दिया, ए दिया है और ये क्या है, माइनस बी दिया गया, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला आपको यही पता है, ठीक है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में क्या करना है आपको, ए माइनस बी लिखना है, आप यहां से कर लीजिए ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए बी हो जाएगा। यही तो फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखा है, यही फार्मूला मैंने आपको पीछे लिखा है। अब ये करना है कि अगर मैं क्या करूं, इसको इधर लाके लिख सकता हूँ क्या, इस चीज को इधर लाके बटा कर सकता हूँ क्या, कर सकते, कोई फर्क नहीं है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इधर ला दे रहा हूँ, तो ए माइनस कितना हो गया, बी हो गया, इस चीज को मैंने इधर ला दिया, कोई फर्क नहीं। अगर इस चीज को देखा है तो आप कुछ ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके रूप में आपको दिख रहा है, यानी इसके रूप में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, इन दोनों को किसके बराबर लिख सकते हैं, आप इसके बराबर आप लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, इसको इस चीज को इसके बराबर लिखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां से आप कर लीजिए, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, ए बी मान के ही लिख ले रहे हैं, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा और यहां से कितना हो जाएगा, आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, 37 लिख सकते हैं और 33 भी लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ वैल्यू नहीं लिख रहा, हम लोग क्या ले, ए और बी लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ए बी हो गया। यहां से क्या मिलेगा, ये ए है और ये कितना है, बी है, इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, प्लस ए बी मिलेगा। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे मैंने प्लस लिख लिया, कितना मिलेगा, ए बी मिलेगा। अब करना है कि इन दोनों को जोड़िए, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, ए का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा और प्लस कितना मिल जाएगा, टू ए बी मिल जाएगा। अब देखिए आपको ये कोई फार्मूला दिख रहा है, आपको एक फार्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा, और फार्मूला किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग बताया वो चीज है कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के होल के स्क्वायर के बराबर। अब देखिए क्या करना है आपको, ए का मान भी पता है और बी का भी मान पता है, ए का भी मान पता है और बी का भी मान पता है, यानी ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, इन दोनों क्या करें आप जोड़िए।
अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़े कितना मिल जाएगा, अगर आप जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 70 मिलेगा। कितना मिलेगा? 70 आपको मिलेगा। अब 70 को यहाँ पे देखिए स्क्वायर करना है, अगर आप 70 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 77 49 हो गया और लास्ट में 20 आपको। अगर आप इसे इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, 49 आपको मिलेगा। तो सी ऑप्शन की इसका मैच करना, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इससे प्रसार करेंगे, जो यहाँ पे मिला इसको मैंने इधर ला दिया, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पूरे कितना लिख सकते हैं, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ठीक है। इस तरह से दे दिया और पूछा कि इसका मान किसके बराबर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना रहा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। आप इसे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर कितना है, ठीक है। जो मैंने वो क्वेश्चन नंबर 15 जिस तरह से बताया उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने वो क्वेश्चन नंबर 15 बताया उसी तरह से क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ठीक है।